अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल जे मेरे दोस्तां दा, मेरे भैन भरावां दा। अल्लाह करे तुसी अपने अपने घरां विच खुश ते आबाद होवो, हसदे खेडदे रहो। ते अज दा मेरा व्लॉग ज़रा तुहानूं डिफरेंट लगूंगा, क्योंकि अज दे व्लॉग विच मैं अपनी जिहड़ी पंजाबी जबान है ओहदे नाल व्लॉगिंग वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मेरी एक दोस्त है हरमीत कौर, उन्हां दा पंजाबी चैनल है, तो मैनूं बड़ा उन्हां दा वधिया चंगा लगता चैनल, तो मैनूं बहुत अच्छा लगता मेरे, इसलिए मैं क्या चलो पंजाबी तो आती है थोड़ा जिन्ना, अपनी फ्रेंड तो इंस्पायर होके तो अपना भी अज व्लॉग पंजाबी विच करा। तो व्लॉग नाश्ता करती पई सी, बच्चे तो मैं आलू वाला नान सीगा, कभी रूटीन तो हट के भी कुछ खाने दिल करता है, तो अज आलू वाला नान खाधे दही के नाल, बाद चो चाह के नाल बिस्किट और खाधे। तो बड़ा के मौसम अच्छा सीगा, अजकल बड़े हर पासे मीह पेंदे पे ने, ते बड़ा अच्छा मौसम लगता वा, जो गर्मी का इन्ना जोर टुटे और बारिशा शुरू हो जान, बहुत ज़्यादा गर्मी पैन रही सी, दो तीन दिन तो बहुत ज़्यादा पैन रही सी, ते हुन मौसम है कि बारिशा होने गया वा, मौसम अच्छा खासा हो गया, लेकिन नाल नाल फिर यही है कि चलो नाश्ते तो फारग होके तो हूँ नाल नाल उही क्लीनिंग वगैरह जी अजक छेड़ी हुई है, डूंगी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, तो उही करांगे। तुसी मैं लाजमी दसना कि थोड़ा मेरा व्लॉग कैंजदा लग्या, कई लोगों पंजाबी लैंग्वेज की समझ नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग समझ लेंदे ने, ते तुसी लाजमी दसना कि थोनू अज दा पंजाबी व्लॉग किदा दा लग्या। और जी नाल नाल होण डई सी छत्ता दी चाड़ पूंझ, हर फिर ईद तो पहले तो हर चीज़ की चाड़ पूंज जरूरी है, अजकल नेरियां भी बढ़िया चलन लगियां, तो चाड़ पूंज के फिर छत्ता की अच्छी तरह पहले कर ली थी सफाई करन तो पहले, ताकि जड़ी के बाद चो जड़ी मिट्टी कट्टा नीचे गिरना, चलो नाल उहदी सफाई हो जूंगी। तो ये बस जड़ा साढ़े घर गैसट आया होया वा, उन्हें बड़ी हैल्प की सी, हुण तां चले गया ने कुछ पहले दीआं वीडियो क्लिप्स थी, ते ओ मैं विच ऐड करदी पई आ। हाँ देखो जी साडा गेस्ट जिहड़ा इन्हें, मैं एक दिन पहले भी तुहानूं दस्सिया कि पेंट भी मेरे नाल करवाया डिस्टैंपर मेरे रूम का, ते हुण ए असी बकरे रखे हुए ने ईद ते के, मैं अपनी पहली वीडियो च थोड़ा शेयर कर चुकी हाँ, तो बकरियां दा फिर जारी गल आ, दिन दिहाड़ी विच दो तीन दफा तो लाजमी के बारों साफ सुथरा करना पैंदा गली दे विचों, ते फिर उस तो बाद जो मैं अंदरों क्लीनिंग करन रही सी, ते कह रहा सी कि मैं बाहरों के साफ कर लेंदा, ते बाहरों अच्छी तरह सरफ वाला पानी डोल के ते उन्ना अच्छी तरह क्लीनिंग कर ली, ते मैं अंदरों सफाई कर ली सी, पोचा फेरन रही सी, ते घर बहुत नीट एंड क्लीन हो चुका सीगा, बहुत अच्छा कि सफाई तो बाद चो तो बहुत प्यारा घर लगता, बस ये है कि अजकल बच्चे घर तो थोड़ी देर ही बस क्लीनिंग रही, उस तो बाद चो फिर उही घर का हाल, दिन च दो दफा क्लीनिंग करो तो लगती है कि घर साफ सुथरा वा। उस तो बाद जो जी मैं शेयर करूँगी अपना न्यू फ्रिज जिहड़ा सी लिया सीगा, पर असी फिर एक्सचेंज कर लिया, मैं और थोनू भी लाजमी आगाह करूँगी, क्योंकि वड्डी ईद बकरा ईद तो पहले बहुत सारे लोग अपना फ्रिज चेंज करते न्यू लियांदे आ। देखो जी मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, तो इस तो बाद जो जी देखो असी फ्रिज सानू जिहड़ी पहली सी छोटी सी, उदो बच्चे छोटे सी तो फ्रिज सानू वड्डी लगती सी, हुण बच्चे वड्डे हो गए तो सानू फ्रिज छोटी लगन लग गई, असी उह देख के ते न्यू फ्रिज लियाए, पर न्यू कंपनी सी नैशनल दी कंपनी, इस क्या चले ट्राई करते हैं कि इन्ना वड्डा साइज ही सानू चाहिए सी, एक दफ़ा लै लिए चलो जिंदगी आसान हो जूंगी, पर इस फ्रिज ने साडी जिंदगी मुश्किल कर दी, इस रेफ्रिजरेटर ने बिल्कुल ये कह लो कि फुल 7 पॉइंट फ्रिज के फुल होंगे ने, उठते असी चलाई है तो, लेकिन कुछ एड्डी खास कूलिंग वगैरह नहीं की, 10 दिन फ्रिज रही है साढ़े घर, चैक करने भी आते रहे, यही कहें रहे कि करूँगी करूँगी कूलिंग, लेकिन इन्नी ज़्यादा कूलिंग की नहीं, फिर असी जी उन्होंने वापस कर दी, फिर असी न्यू रेफ्रिजरेटर लिया, और मैं थोड़ा लाजमी शेयर करूँगी, इसलिए कि चीज़ किचन की भी क्लीनिंग थोड़ा दिखा रही, कि मेरा किचन भी क्लीन हो चुका, बर्तन वॉश कर चुकी है हर चीज़ के, मैं बस इस तो बाद चो खाना बनाऊँगी दोपहर का, क्योंकि बच्चे अकैडमी के हुए आ, बच्चों ने अकैडमी तो आके फिर उन्होंने भुख लगी होंगी, सुबह नाश्ता करके 9 बजे ना चले जाते हैं, तो मेरा रेफ्रिजरेटर दिखाने का ये मकसद सगा, तो अगर तुम भी कभी हम लैना हो तो
उस तो पहले सोच समझ के मशवरा लै के फिर ले गयो। यही खूबसूरती वाल खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा सी, यही खूबसूरती ने ही सानू अपने वाल खिंचया कि चलो कि अच्छी खासी वड्डी भी फ्रिज आ नाले खूबसूरत भी आ, चलो लै लें। पर इस फ्रिज का खूबसूरती सी पल्ले कुछ नहीं सी ये कह सकते हैं। तो हूँ मैं अपना न्यू रेफ्रिजरेटर थोड़ा शेयर करूँगी लाजमी अपनी नैक्सट वीडियो में। तो हूँ मैं बना रही थी चिकन कौरमा, मेरी बेटी ने बहुत पसंद है चिकन कौरमा, मेरे बेटे ने बेटी ने चिकन कौरमा बनाए हुए, तो कुछ भी बनाया हुए तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते कुछ, और उन्होंने सिर्फ के रोटी और सालन नहीं खाऊंगे क्योंकि तो उन्होंने फेवरेट आ। बाकी रेसिपी तो हर एक नु पता वा, मैं सिर्फ अपनी रूटीन शेयर करन लगी अपने फ्रेंड्स दे नाल। रेसिपी तो हर एक माशाल्लाह हर कोई अजकल बहुत अच्छी कुकिंग कर लेंदा, पर ते के मैं जदों कुकिंग करती हुंदी आ कि चिकन बनांदी नाल विच दूध इदा पौंदे हुए जरूर ऐड कर लेंदी, उहना बहुत अच्छा कलर टेस्ट बहुत अच्छा मज़ेदार आंदा। ते बस इस तो बाद चो खाना शाना बस रोटी बनाई बच्चों नु खिलाई और खुद खाना खाना सारा कुछ खादा पीता। तो फिर उस तो बाद बर्तन वॉश कर लिते सी दोपहर के खाने तो के फ्री हुए आ, तो मैं हजे लेटी सी तो बहुत प्यारा उपर मौसम हो गया, मैं के उपर कपड़े सुखने पाए हुए सके धो के, तो उपर मैं धोड़ के कपड़े उतारन गई तो मैं सोचा चलो थोड़ा थोड़े जे बदल भी शेयर कर लिए कि इन्ना प्यारा मौसम होया अजकल। फिर मैं आ गई सी कपड़े प्रेस करन लई सी, मैं बैठी तो बारिश बड़ी प्यारी बारिश हो रही सी, मैं कहा चलो बारिश भी शेयर कर लिए, थोड़े शाम का टाइम हो गया सीगा ते बारिश बड़ी पैन रही सी। मौसम यह आ कि गर्मी का जोर बिल्कुल टुट गया वा, गर्मी का एहसास खत्म हो गया, नहीं तो अगे पंखिया की हवावा भी नहीं लगती सी, हूँ तो ए सी बिल्कुल चलाने की जरूरत ही नहीं, पंखिया की हवावा ही बहुत ठंडिया हो गया। और जी हाँ मैं करन रही सी अपने हसबेंड के कपड़े प्रेस, और मौसम अच्छा से इस वजह तो जल्दी जल्दी ना मैं इस्त्री लगा ली कि चलो कपड़े इस्त्री कर लेते जान, क्योंकि गर्मी के बिल्कुल भी नहीं दिल करता, और मैं करनी भी गैस वाली इस्त्री के नाल होंगी है क्योंकि अजकल बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, इस वजह तो जिनी हो सके कि फिर बचत की जाती है कि चलो बचत की जाए। और लाइट इन्नी दे नहीं रहे पाकिस्तानी जिंदाबाद ते, पर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस उम्मीद है तुसी आज दा मेरा ब्लॉग लाजमी पसंद करोगे, तो साढ़े सोने जे प्यारे जे परौने ये भी तुसी देख लो सुते पे सी, सुते की सी, हाँ जी रात का टाइम सीगा, इन्हां मौसम खराब होने की वजह तो नीचे गैरेज ही बन लिया, तो बिल्कुल मैनू बहुत सोहना लग्या कि बिल्कुल लाडे काकिया की तरह पिया होया सीगा, ते बड़ा इतने प्यार आ रहा। उम्मीद है तुसी अज दा ब्लॉग जरूर पसंद करोगे, तो एक लाइक लाजमी दे दियो और दुआ च याद रखियो अल्लाह।